गाइस हम मिचकियां पहुंच चुके हैं और हम ठंड से मर चुके हैं। मर चुके हैं। आप अभी देख सकते हैं रेनकोट लगा के इतनी ठंड है। ऊपर घोड़े हैं। तो अभी विंच कैंप पहुंच चुके हैं। विजिबिलिटी कितनी? 50 मीटर? 50 मीटर भी नहीं है, 30 मीटर मैक्सिमम, 30 मीटर की विजिबिलिटी है अभी। तो ये जो ट्रैक है ये अभी जाएगा हेडगियर तक, लगभग 5 किलोमीटर का रूट आगे अप्रोक्सीमेट। तो चल के देखते हैं आगे। और ये इसकी जो ट्रॉली, हम हेडगियर जा रहे हैं, हमारी धुंध खुल चुकी है और हमारा व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम हेडगियर की तरफ जा रहे हैं और हमारा लगभग हमारा 20% रास्ता जो कवर हो चुका है। तो यहाँ से एक बार व्यू देख लेते हैं। विंच कैंप में तो उस टाइम थोड़ी धुंध थी, ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ऊपर हम हैं और सारे पहाड़ हमारे से नीचे ही। तो अभी चलते हैं आगे और मिलते हैं हेडगियर। तो सामने जो एक गांव दिख रहा है, गांव का नाम है बुंदी, बहुत ही ज्यादा दूर। ओहो, मेरे को छोड़ दिया। सारे के सारे आगे चले गए, मेरे को पीछे छोड़ के। ये है अपना सुई गांव, यहाँ पे भी कुछ ही परिवार रहते हैं। तो गाइस अभी हम थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं, टावर के पास पहुंचने वाले हैं। दो टावर जो कि जोगिंदरनगर से दिखाई देते हैं ऊपर विंच कैंप के लेफ्ट साइड में, तो वहां हम पहुंचने वाले हैं। 75% हमारा जो है ये ट्रैक का रास्ता कंप्लीट हो चुका है, आप ट्रैक को देख ही सकते हैं। पर अभी यहाँ पे जो है कोई कुछ भी नहीं चलता, पहले रेक रेडी चलती थी जिसको धक्का मार के चला जाता था, बट अभी जो है कई सालों से बंद ही है। आई होप कि जब HP गवर्नमेंट इसको हायर करेगी तब इसको फिर से ज़्यादा शुरू कर दिया जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो देखते हैं आगे। और आगे जाके नीचे पायल का दूसरा घर भी है, पुराने वाला घर। तो पायल तो बोल रही है हम जाएंगे नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ तो जाके आते हैं। गाइज अभी हम आ गए हैं पहाड़ के दूसरी तरफ। ये जो टनल है ये परली साइड जोगिंदरनगर है, और इस साइड जब आप जाओगे तो ये पहाड़ियाँ भी क्रॉस हो चुकी है, तो उस तरफ है बरोट नीचे की तरफ। इस तरफ नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ रास्ता जाता है बरोट को, पर फिलहाल हम ही अभी ट्रैक को फॉलो करेंगे और ट्रैक के साथ चलेंगे। यस, थोड़ा सा ही रहा है अभी, शायद 5-10 मिनट का रास्ता बचा। नहीं, 5 मिनट बस बचा, इतना ही बचा रास्ता बस। तो फाइनली हम हेडगियर पहुंच गए। ये जो है लास्ट पॉइंट हेडगियर का,
तो नहीं नहीं अभी मतलब एडगिर का लास्ट पॉइंट यही है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप मुल्तान के पास का जो व्यू है, ये जो पावर प्रोजेक्ट जो लोहाडी से बना उसका जो पाइप है ये वाले, और इस तरफ डिस्ट्रिक्ट मंडी रोड। आगे चल के देखते हैं, चले आगे। चलो YouTube वाले हैं इनको फॉलो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तो ये देखिए पटरी अभी भी यहाँ तक पर दब चुकी है, आगे चल के देखते हैं थोड़ा। ये नीचे पायल का घर, यहाँ पे पायल का जो पुराना घर है ये है नीचे हाँ। ये वाला जाना पायल नीचे क्यों कर ले जाना तू दे ले पेपर है मैं क्यों आई थी। ट्रैक यहाँ से ये जो विंच कैंप का जो ट्रैक है वही वाला ट्रैक है अभी तक। तो आगे जाके फिर से सेम वही ऑलेज ट्रॉली होगी यहाँ पे खड़ी हुई है एक, जो कि बरोड तक जाती है, 0 पॉइंट जगह का नाम है वहाँ तक जाती है। वहाँ से आगे के लिए भी था बट अभी उसको उखाड़ के सड़क बना दी गई है। ट्रांसफार्म है पर अभी इसमें शायद बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए हॉलेज ट्रॉली सेम क्रेन, जो क्रेन पीछे लगी थी सामान को उठाने के लिए सेम वही है, जिसको कि मैनुअली और बिजली के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। ये देखिए हालत देखिए इसकी कितनी खस्ता हालत हो चुकी है, पता नहीं लास्ट टाइम में 5-6 साल पहले आया था तब भी नहीं चली थी, पता नहीं कितने सालों से नहीं चली है। और इसका जो ऑपरेटिंग का जो सिस्टम है वो पूरा इधर से ही है यहाँ से, पर अब ये बंद ही है लगभग, कभी चला ही नहीं। अभी हम इसी ट्रैक के साथ नीचे जाएंगे पायल के घर के लिए। जो हॉलेज ट्रॉली का जो ये देख रहे हैं आप रस्सा लोहे का है इस तरह से लगा हुआ है, और अंदर का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये जो पूरा लिपटा हुआ है रस्से से, और जिस कंपनी ने ये बनाया इसको आप नाम देख सकते हैं यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टर द ब्रिटिश स्टील स्टीलिंग कंपनी लिमिटेड लंदन एंड लेडन फोल्क। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना पुराना होगा। अभी यहाँ पे हम लंच करेंगे, भूख लग गई है इनको, सवेरे कम खाया खाना था, दैट इज लंच टाइम। जाना वो ना एज यू विश नो वो टिंग करता हां ऊपर वाले जाऊंगा अगर वापस आना तो बस सिर पर नहीं आना वापस तब देख लो वापस आने की कोई गारंटी नहीं पाल जी पहले बर्दाश्त कर दे तू की बक बक कर दा रहा चैंपियन हां पहले बोल रहा था क्यों चल ठीक है प्यार यहाँ जाने आज करो मम्मी को मुझे कोई टेंशन बस तू जा कर ले करा इतने सारे पढ़ते बुन गाइस हम जाके को रोटी खाने वाले हैं लो भाई पास कर दे जैकी भी साथ में चल रहा लगातार इसको भूख लगी होनी अभी
कितनी कितनी भूख लगी किसको? दो रोटी। आशु कितनी रोटी खाएगा? चार। दो बस बस। मेरे मोबाइल की रखा है गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं पायल के पुराने घर में, पहुंचने वाले हैं। एक बार आप व्यू देखिए, क्या व्यू है यार। ये जो है कांगड़ा वैली है, उस तरफ नदी के, ये उल नदी है, उल नदी के जो राइट साइड है कांगड़ा वैली है, जिसको कि छोटा बंगाल भी बोलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पायल के गांव में, पुराने गांव में। ये उधर उनका पुराना घर है। तो अभी जो है ककड़ी खाने का बंदोबस्त है हमारे पास। अंग्रेजी क्या बोलते हो? अंग्रेजी क्या बोलते पहले? अरे बड़ा साला ये पढ़ रही है अभी आने। इस सुना ना, इस बियर का ड्रिंक कौन सा होंगे? हेलो गाइस, हम किताड़ू पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे दीदी के घर सृष्टि के पास। मैं क्यूट मासी के पास। अब पर जाते हैं नानी। नानी अगर हाय। चला जा, क्या नाम है तेरा? नानी का फोटो ले। दादी अगर हाय। हम बस ओ एफसीआई नंबर चाहिए। तो एटलीस्ट हम पहुंच गए हैं ब्रोट वैली, और समय हो गया है, समय हो गया हमारा 5:51। तो अभी देखते हैं नाइट स्टे इधर ही करेंगे कहीं। कुछ लोग ज्यादा ही एक्साइटेड है, शायद पहली बार ही आए हैं ब्रोट में। पहले आज बस आपने शेप अंदर सूखा सूखा हो गया था।